इस्लामाबाद हाईकोर्ट वफाकी राजधानी में सुभाणे मकानी चूंडू कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट वफाकी राजधानी में मकानी चूंडू मुलतवी करण खिलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। इलेक्शन कमीशन 31 डिसंबर ते रिथियल मकानी चूंडू मुलतवी कयूं हो। अदालत चयो आहे त केस जो तफ़सीली फ़ैसिलो बाद में ॿुधायो वेंदो। पाकिस्तान के ललकारींदड़ के पूरी ताकत से जवाब दिनो वो कौमी मफादन से का भी रहड़ अचान न डींदी नई कें कौमी सलामती के तस्वुर के नुकसान पहुंचाने की इजाजत दिनी वी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ थियल कौमी सलामती कमेटी के इजलास की पधराई जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ कौमी सलामती कमेटी जो इजलास 3 कलाक तीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्व चीफ वफाकी वजीरन गुजन इदारन के सरबराहन की शिरकत। इजलास में मुल्की मईशत अमन अमान जो तफसीली जायजो वरतो वयो। गुजन इदारन अमन अमान की सूरत हाल मुमलकती वजीर हिना रबानी खर अफगानिस्तान सूरत हाल उतां जी उबूरी हुकूमत से राबतन बाबत ब्रीफ कयो। इजलास में दहशतगर्दी खिलाफ शहीदन के अजीम कुर्बानी के भेटा पेश। वजीर आजम चयो त दहशतगर्दी खिलाफ़ बहादुरी साबित कदमी से अगते वधंदासीं। मुल्क में मुश्किल से हासिल कयल अमन कंहिंखे खराब करण न डि॒नो वेंदो। कानून वारे वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारण टेक्नोक्रेट्स हुकूमत जे क़याम खे गैर आइनी करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालाइंदे आज़म नज़ीर तारण चयो त असेंबली टोड़ण की सूरत में 60 ॾींहन अंदर इलेक्शन थियण लाज़मी आहे। आइन में टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की गुंजाइश नाहे। पीपल्स पार्टी अगवान रज़ा रबानी भी डिघे मुद्दे लाइ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की मुखालफत कंदे चयो आहे त निकरा टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आई त मज़ाहमत कंदासीं। आइन मूजिब असेंबली टुटण या मुद्दो पूरो थियण ते निकरा काबीना ठहंदी आहे। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी इल्ज़ाम हयो आहे त इलेक्शन कमीशन अमली तौर से वफाकी हुकूमत में ज़म थी चुकी आहे। पाकिस्तान में रिथाबंदी तहत जमहूरियत के मुकम्मल तौर से खत्म कयो पियो वञे। ट्विटर से बयान जारी कंदे फवाद चौधरी चयो त पहिरियां बुनियादी हक मुअत्तल कया विया हाणे इदारन के खत्म कयो पियो वञे। इलेक्शन कमिश्नर संदस साथी पाकिस्तानी अवाम जा विलन आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी मुलाकात। 9 जनवरी ते जेनेवा में रिथियल कॉन्फ्रेंस बाबति तफ़सीली ॻाल्हियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां पाकिस्तान जी तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। परॾेही वज़ीर अमेरिकी दौरे बाबति वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार मुमलिकती वज़ीर हिना रबानी खर ऐं सैयद नवीद कमर बि मौजूदु हुआ।
कर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल केस छह जवाबदारनि जी जुडिशियल रिमांड में वाध एंटी करप्शन पुलिस का ईंदड़ बुधणी ते पको चालान पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो पूरी चालान पेश करे चुका आहियूं पको चालान जल्द जमा करायो वेंदो एंटी करप्शन जो चवण आहे सिंधाई कोर्ट सिंधु हुकूमत के मकानी चूंडू थियण ताईं मुकररन ऐं बदलिन खां रोके छॾियो चीफ सेक्रेटरी ऐं मकानी इदारनि वारे खाते जो सेक्रेटरी ज़ाती हैसियत में तलब अदालत चयो आहे त टिनि ॾींहनि अंदरि जवाब न आयो त सख़्त हुकुम जारी कंदासीं इलेक्शन कमीशन जे वकील अदालत खे आगाही ॾिनी त सिंधु हुकूमत मकानी चूंडनि जे शेड्यूल जे ऐलान बावजूद मुकररियूं ऐं बदलियूं कयूं इलेक्शन कमीशन केतिरा ई ख़त लिखिया पर अञा ताईं अमल न थी सघियो आहे सिंधु हुकूमत चूंड कानून जी भञकड़ियुनि में मसरूफ़ आहे थर में कोयले मां 330 मेगावाट बिजली पैदा करण वारे मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो वियो मौसम जी ख़राबी सबबि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह न पहुची सघियो पीपीएमएनए महेश मलाणी मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो वॾे वज़ीर मुराद अली शाह बयान जारी कंदे चयो आहे त मनसूबे जे इफ़्तिताह सां थर कोल मां बिजलीअ जी पैदावार 30,000 मेगावाट थी वई आहे थर जे कोयले जे इस्तेमाल सां पाकिस्तान में तवानाई जो इनकलाब अची रहियो आहे थर जे ज़खीरनि मां 200 सालनि ताईं 1,00,000 मेगावाट बिजली पैदा करे सघिजे थी ये धड़ों की बात की तो मैं इसमें ये बताता चलूं तब से मैंने इस मनसब पर अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया है मेरी ये कोशिश है कि मैं तमाम ही लोगों के दरमियान इत्तफाक और मोहब्बत पैदा करूं और ये जो लोग नाइत्तफाकियों की वजह से इस सूबे की शहर की और मुल्क की तरक्की में रुकावट बन गए हैं वो रुकावट दूर करें तो बिल्कुल ठीक है इस पर कोशिश जारी है और इंशाल्लाह अन करीब सब लोग मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूबे में इस शहर में अपना काम करें गवर्नर सिंध कामरान किसूरी एमक्यूएम के धड़न के गद करण लाए पुरअज़म सेवण में कलंदर लाल शहबाज की दरगाह से हाजिरी बाद मीडिया से गालाइंदे गवर्नर कामरान किसूरी चयो आहे त एमक्यूएम के धड़न के इत्तेफाक पैदा करण की कोशिश कर रो आया जल्द एमक्यूएम एक थी वी हुकूमतूं ईंदियूं वेंदियूं आहिनि नफ़रतूं ख़तम करे मुल्क ऐं सिंध जी खुशहालीअ लाइ गॾिजी कमु करणु घुर्जे सिंध हाई कोर्ट साइट एरिया में कब्ज़ा माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई न कंदड़ पुलिस ऑफिसर ख़िलाफ़ तोहीन अदालत कार्रवाईअ जो इशारो ॾेई छॾियो नूरियाबाद साइट जी ज़मीन ते कब्ज़े वारे केस में अदालत जे सरकारी वकील खे चंड जस्टिस आफ़ताब गोरड़ रिमार्क्स न आहिनि त इंडस्ट्रियल एरिया जी ज़मीन ते कहिड़ो धंधो शुरू कयो वियो आहे जंहिंजो प्लाट आहे उनखे हक़ छो नथो ॾिनो वञे पैसनि एवज़ कब्ज़ा कराया पिया वञनि कब्ज़ा माफ़िया खे त माल मेड़े सियासत करणी आहे त पोइ वरी परडे वञणो आहे पुलिस ऑफिसर रुगो बयान ॾेई सुम्ही पवनि था अहिड़नि ऑफिसर्स ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी कार्रवाई कंदासीं साले पटवे जो घर जी छित करण सबब घर धणी फोत संदस घरवारी जख्मी थी पई गोठ करीम दाद लुंड में छित करण सबब गासी डिनो लुंड मौके ते दबजी फोत थी वयो संदस घरवारी जख्मी अस्पताल मुंतकिल खुरम एजेंसी बॉर्डर ते दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे शहीद थियल पन्नो आकिलवासी फ़ौजी जवान जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई पाक फ़ौज ऑफिसर्स ऐं इलाइक़े वासियुनि जे शहीद फ़ौजी जवान हाफिज़ अब्दुल रहमान जुणेजो जी जनाज़े नमाज़ में शिरकत जनाज़े नमाज़ बाद शहीद जवान जे मढ़ खे मक़ामी कब्रिस्तान में तदफ़ीन कई वई
पाक फौज पारा सलामी देनी वही। कराची टेस्ट के आखिरी डी पाकिस्तान पे बी इनिंग 311 रन्स 8 विकेट के नुकसान से डिक्लेयर कर छी। न्यूजीलैंड के मैच खटने लाए 138 रन्स जो हदफ। कौमी टीम पारा इमामुल हक, सऊद शकील और सरफराज अहमद 50 स्कोर कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड खिलाफ ऐलानियल 21 रुकनी वनडे स्क्वाड में फखर जमान और हारिस सुहेल के भी शामिल कर छो। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी ट्वीट कदे है त फखर जमान और हारिस सुहेल के फिटनेस टेस्ट का पोए टीम में शामिल कर वो। बई रांदीकर पाक कप में भी सुठी कारकर्दगी मुजाहरो कर रहा है।